उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ मौसम बदल रहा है और पारा लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे ठंड का एहसास भी बढ़ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की तुलना में दूसरे शहरों में कहीं ठंड ज्यादा पड़ रही है तो कहीं पारा ज्यादा है। हालांकि लखनऊ का मौसम भी सर्द होने लगा है। आइए अब आपको प्रदेश के 5 बड़े शहरों के मौसम पर और वहां की वायु गुणवत्ता पर बताते हैं कि वो किस तरह से नीचे गिर रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में मैक्सिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि रविवार को मिनिमम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था। सुबह में बादल छाए रहेंगे लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप भी निकल सकती है। वहीं हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। मौसम में 89.88% तक की नमी बनी रहेगी। लखनऊ की वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो यहाँ वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और आज का AQI जो है वो 319 है। वहीं अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ आज का मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 16 रहने का अनुमान है। यहाँ भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। वहीं 57 से 83% रहने की संभावना है। लखनऊ की अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ ये भी खराब है। आज का जो AQI है वो 305 है, यानी कि तमाम ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। प्रयागराज की अगर बात करें तो शहर में मैक्सिमम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस रहता हो सकता है। मौसम साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना सिर्फ 2% ही है। अगर बारिश होती है तो ठंड ज़्यादा होगी। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और इसका AQI जो है वो भी खराब स्तर पर है, 283 रिकॉर्ड बताया गया है। कानपुर की बात करें तो मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री और मिनिमम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे, हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वहीं अगर बात की जाए वायु गुणवत्ता की तो 315 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। वहीं गोरखपुर में 29 डिग्री तापमान जो है वो ज़्यादा रहेगा और मिनिमम जो है 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा और वहीं इसके अलावा बारिश के आसार भी बने हुए हैं। AQI बहुत ज़्यादा ख़राब स्तर पर है, जो कि 312 दर्ज किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी सही नहीं है। एक तरफ ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बारिश भी हो सकती है।